चलू ध्यान देवे एम सब। आब हम किछ ओ चैप्टर पहला चैप्टर के जे क्वेश्चन आंसर छे ओय पर बात करब, ध्यान देवे। अगर चैप्टर का पढ़ लेबे और देख लेने रहबे तो फिर क्वेश्चन बनबे में अहाँ के कोनो भी तरह का दिक्कत नहीं हैत। आब चलू ध्यान दियो, मिथिला के बसौने छला तो ध्यान रखब के नाम छले उनका राजश्री, राजश्री के नाम छले निमिक पुत्र, निमिक पुत्र पुत्र मिथी बसौने छला। की नाम छले उनका मिथी, की नाम छले मिथी, ठीक छे। चलू पहला क्वेश्चन का आंसर तो बुझ गेलिए, की नाम छले मिथिला के जे छले से राजश्री निमिक पुत्र मिथी बसौने छला। की नाम छले उनका मिथी, मिथी के छला। अब एगो क्वेश्चन नेक्स्ट छ जे मिथी के छला तो ककर पुत्र छलखिन, राजश्री पुत्र निमिक पुत्र छला, ठीक छे। अब बताओ क्वेश्चन छे जे बृहद पुराणक अनुसार, बृहद पुराणक अनुसार मिथिला के लंबाई और चौड़ाई बताओ। तो बृहद जे बृहद विष्णु पुराण जे छले ओकर अनुसार से मिथिला के लंबाई और चौड़ाई अगर बात कैल जात तो लंबाई जे छले 24 योजन छले, मतलब 24 चौका 96 योजन। और अगर अहाँ का चौड़ाई का अगर बात कैल जाए 64 जे छे से कोस छले और 16 योजन छले, ठीक है। अगला क्वेश्चन यह जे चंदा झा के अनुसार मिथिला के चौहद्दी बताबू। तो चौहद्दी की छले दक्षिण में गंगा, पूरम और पूरम में कोसी, पूरम में की छले कोसी, ठीक छे पूरम में। आ पश्चिम में की छले गंडक, आ उत्तर में हिमालय, याद रहत। उत्तर में की छले हिमालय, उत्तर में और दक्षिण में गंगा, पूरब में कोसी और पश्चिम में गंडक। यह छले मिथिला कथी चौहद्दी छले। किनका अनुसार से चंदा झा के अनुसार से जे रामायण मिथिला मैथिली में लिखने छला। अगला क्वेश्चन देखियो, मिथिला के सीमा के पश्चिम में परिवर्तन कारणक उल्लेख करू। की कारण छे जे कारण से जे पश्चिम में एखन पढ़लिए ना, पश्चिम में जे छे से ओकर परिवर्तन भेल जाल रहल छे, ओकर कारण की छे। तो की लिखबे जे पश्चिम क्षेत्र, ध्यान देवे पश्चिम क्षेत्र जे चंपारण जिला, पश्चिम क्षेत्र बुझ गेलिए ऐ साइड, ठीक छे ऐ साइड बिहारक ऐ साइड पश्चिम वाला क्षेत्र जे छे से ऐ क्षेत्र में जे छे से खास कर के चंपारण जिला में भोजपुरी प्रचलित छे, मैथिली के कनी कम छे। आ ओतबी अगर पंचांग का अगर बात कैल जाए तो जे के अनुसार से हम सब बहुत सारा त्यौहार सब मनबै छिए, तो हमरा अहाँ सब में जे छे से मिथिला के पंचांग चले छे और ओहिठाम बनारस पंचांग चले छे। और एगो और कारण छे जे मिथिला के जे सीमा छे पश्चिम क्षेत्र ओहिमे एकर मेन केंद्र जे छले बौद्ध और जैन धर्म का, ओकर मेन केंद्र छले वैशाली, ठीक छे। जे कारण से अइ क्षेत्र में जे छे बौद्ध और जैन धर्म जे छे से ज्यादा विकसित भ गेले, लेकिन ओकर एमहर जे छे से नहीं हब दने छले, ठीक छे। ते ई चीज सब आप अहाँ लिख सकै छी। लेखकक अनुसार मिथिलाक सीमा कतई धरी मानल जाइत अछि, त आब त अहाँ सब बुझि गेलिए लेखक मतलब रामलोचन शरण जी जे छथिन हुनका अनुसार से जे छे से पूरब में, दिमाग में राखब पूरब में जे छे से दीना दिनाजपुर धरी, आ पश्चिम में, पश्चिम में जे छे से पूर्वी चंपारण, कतः पूर्वी चंपारण धरी और मुजफ्फरपुर, ठीक छे वहाँ और मतलब हाजीपुर तक मानल जाए छे। आ उत्तर में जे छे से हिमालय तक, उत्तर में द हिमालय तक, और दक्षिण में जे अगर बात कैल जाए तो जे छे से मयूराक्षी, कतः तक मयूराक्षी तक जे छे से मानल जाए छे एकर सीमा, ठीक छे। अगला क्वेश्चन यह जे ग्रीशियन नाम छे, ग्रीशियन साहबक अनुसार, ध्यान देवे ग्रीशियन साहबक अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा कतई धरी अछि। तो ग्रीशियन साहब के अनुसार से जे पूर्वी सीमा छे वो कतः तक छे दिनाजपुरक, दिनाजपुरक पश्चिमी भाग धरी, ठीक छे।
चलू तो भ गेल अहाँके सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछत तो भ गेल। अब किछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखियो जे एखुनका एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट छे। कोसी से गंडक धरी जे मिथिलाक नामित नमती मतलब ओकर जे डिस्टेंस छे से कते छे, कते 24 योजन याद रहत। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन छे लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ, ध्यान देबे लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ, क्वेश्चन देखियो लिखल छे लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक के छथिन डॉक्टर ग्रीशियन याद रहत। चलो मिथिलाक चौराई कोश में कते छे 24 64, कते 64 मिथिलाक विदे, ठीक छे। तो अ तरह से जे से क्वेश्चन अहाँ सब बुझ गेल हेबे। अगर ये क्वेश्चन पूछत जे मिथिलाक में मिथिला में विदेह और दूटा कौन गणराज्य रहे बताबू, लिच्छवी और विदेह, बिल्कुल सही बहुत बढ़िया। तो एता तो हमरा लगे या लगभग अहाँ सब गोटा पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर या पूरा जे छे से कवर क लेलौ, ठीक छे। दोसर चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ब, ताबे तक के लेल तहे दिल से धन्यवाद। और ज्यादा से ज्यादा जे छे से मैथिली देखे वाला देखू और एकरा शेयर और सब्सक्राइब क लिया।